पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, तो ये वीडियो पूरा देखिए। जब किसी लड़की की शादी होती है और वो ससुराल जाती है, तो वहां पे उसको अपने पति का नाम और एड्रेस भी चेंज कराना होता है, जिससे कि उसको किसी भी सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए वो जरूरत पड़ती है उसके लिए। ठीक है, आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो किसी भी सरकारी योजना में लगाने के लिए या और भी कामों के लिए, जब वोटर आईडी बनानी हो या समग्र आईडी में नाम जोड़ना हो, तो हमें आधार में पति का नाम अपडेट करने की जरूरत पड़ती ही है। तो इसके लिए हमें क्या दस्तावेज चाहिए? इसके लिए हमें पति और पत्नी दोनों के आधार कार्ड और उसके अलावा एक सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म, बस इसकी जरूरत है। और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों के ही पति और पत्नी दोनों के ही आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे आपको चला जाना है ब्राउजर पर, और यहाँ पे आप UIDAI.myAadhar.gov की वेबसाइट पर जाएंगे, को लॉगिन कर लेंगे। पहले पत्नी के आधार से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे अपडेट एड्रेस के सेक्शन में, और वहां पे आपको हेड ऑफ फैमिली सिलेक्ट कर लेना है, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स ऑफ हेड ऑफ फैमिली रिक्वायर फॉर अपडेट में एंटर आधार नंबर हेड ऑफ फैमिली, आपको यहाँ पे पति के आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो नीचे हेड ऑफ फैमिली वेस्ट एड्रेस में, इसमें सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आपको सेल्फ डिकेशन फॉर्म जो भरा है वो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आगे जाके आपको पेमेंट काट देना है, 50 रुपए का पेमेंट कटेगा, और यहाँ से आपको एक डाउनलोड एक्नोलमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पे एक SRN नंबर मिल जाएगा आपको, उसको आपको आगे यूज करना है। तो आगे जाके आपको अपने पति यानी जो पति है उसके आधार से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको हेड ऑफ फैमिली का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाके आपको क्लिक कर देना है, और वहां पे आपको जो पत्नी के आधार कार्ड में SRN नंबर मिला था उसको यहाँ पे डाल देना है। फिर डालने के बाद आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद आपको लॉग आउट कर देना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको इंतजार करना, 7 से लेकर 10 दिन तक लग सकते हैं इस प्रोसेस में। आप गूगल पे जाके, इसी वेबसाइट पे जाके नीचे एक आपको ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट, यदि आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, स्टेटस चेक करने के लिए आप आओगे आधार कार्ड की इसी वेबसाइट पर, और यहाँ पे आपको चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आने के बाद आपको इंटर एनरोलमेंट आईडी या SRN नंबर या URN नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसमें SRN नंबर डालेंगे, कैप्चा भरेंगे, सबमिट करेंगे, जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुंचा है, सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ क्या है, वो सारी चीजें दिख जाएंगी। अब फॉर्म कैसे डाउनलोड करोगे? तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको आना है गूगल पर, और यहाँ पे आपको लिख देना है आधार अपडेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, आधार अपडेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिख के एंटर कर देना है, और यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी, इस पे आके क्लिक कर देना है हेड ऑफ फैमिली वाला, और देखो ये आपको आ जाएगा। अब इसको भरना कैसे? भरने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका फॉर्म है, इसमें सबसे पहले आपको पति का नाम भर देना है, और यहाँ पति का एड्रेस भर देना है पूरा, और यहाँ जो ऊपर पहला सेक्शन है इसमें पति का आधार कार्ड आ जाएगा, आधार कार्ड नंबर। ओके, इसके बाद नीचे आएंगे डेट रजिस्ट्रेशन मिस्टर मिसेस, इसमें आपको पत्नी का नाम, पत्नी का आधार नंबर, उसके बाद वाइफ, यहाँ वाइफ लिख देना है, और नीचे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पत्नी का नाम आएगा, और नीचे एक बार और यहाँ पत्नी का नाम आएगा, यहाँ डेट, जो डेट है वो डेट डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे पति के। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।